बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में पुरानी दुश्मनी पर कार सवारों की फायरिंग, 3 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। मलक अफजल, बाकर शाह और साइम कतल, सारम सदीक और अजान जख्मी। डीपीओ की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। जराए के मुताबिक सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में थाना एयरपोर्ट के इलाके माजरा कलां में साबका दुश्मनी पर कार सवार 5 मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 3 शदीद जख्मी हैं। जहां बहक होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। कत्ल होने वालों में 45 साल मलक अफजल, बाकर शाह और साइम शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 14 साल सारम वल्द बाकर शाह, सदीक और अजान शामिल हैं, जिनको रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने तिब्बी इमदाद देते हुए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाख़साना है। मकतूल मलक अफजल की गांव में जट बरादरी के साथ पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। फरीकैन के माबैन कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं। अहल खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया। SP इन्वेस्टिगेशन सलमान लियाकत और DSP समड़ियाल अलीट फोर्स की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाया। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने मौके का विजिट करने के बाद हस्पताल में मुतासरा फैमिली से मुलाकात की और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। DPO ने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए तहरे कत्ल के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए और फरार मुलजमान की तलाशो गिरफ्तारी के लिए रेडिंग टीमें तश्कील देकर रवाना कर दीं।